हेलो एवरीवन, कल लास्ट क्लास में हमने अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, है ना। अभी हमारे टू टॉपिक्स बाकी हैं चैप्टर में। वैसे एक तो ट्रांसलेशन पढ़ना है और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, पर हम बीच में थोड़े क्वेश्चंस करने लग गए थे, तो उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे आज भी। कल जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आ गए थे, जहाँ पर हमने किया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए हो गया था, एमआरएनए और टीआरआरएनए में भी डिफरेंस हमने कर लिया था। आज जो है वो हमको करना है टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 डिफरेंसेस हैं। पहले लिखेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। देखिए, इट इज़ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, द पोलैरिटी इज, या द पोलैरिटी इन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, द पोलैरिटी इसी कर लेते हैं हम। तो पोलैरिटी इज 3-5 इन डायरेक्शन, इन भी लगा लो चाहे तो आप लगाना। The polarity is 3-5 in direction. Third point, nucleotide sequences complementary to the one present in mRNA. ये हो गया हमारा template. अब coding strand क्या थी? Coding strand थी, it is the strand that does not take part in transcription. द पोलैरिटी इज 5-3 इन डायरेक्शन, चाहे तो यहाँ भी इन लगा लो आप। थर्ड पॉइंट है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज सेम एज द वन प्रेजेंट इन mRNA एक्सेप्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इंस्टीड ऑफ यूरेसिल, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट 2 असेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम क्या करता है, उसके क्या 2 रोल होते हैं, तो आंसर देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर कर रहे हैं हम। आंसर नंबर 9, 2 असेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आर। फर्स्ट रोल है वन ऑफ द आरआरएनए, ब्रैकेट में लिखना है 23S इन प्रोकैरियोट्स, एक्ट एज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज राइबोजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बोन्स। और सेकंड है, राइबोसोम्स प्रोवाइड्स साइट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड चार्ज्ड tRNAs फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए आप। पहले क्वेश्चन, इन द मीडियम वेयर ई कोलाई वाज ग्रोइंग लैक्टोज वाज एडेड विच इंड्यूस द लैक ऑपेरन, देन व्हाई डज लैक ऑपेरन शट डाउन सम टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम। तो आंसर देखिए, एज लैक ऑपेरन इज एन इंड्यूसेबल ऑपेरन, देयरफॉर इट शट डाउन ड्यू टू डिक्रीज इन लैक्टोज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन इन वन और टू लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. ये इन्होंने जो दिए हैं इनके फंक्शन पूछे हैं, केवल एक या दो लाइन में ही लिखने हैं. तो पहला प्रमोटर क्या होता है ये बताना है हमको. तो फर्स्ट लिखिए आप प्रमोटर क्या है. देखो इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच लाइज एडजेसेंट टू द ऑपरेटर एंड फंक्शन एज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू कैरी ट्रांसक्रिप्शन इफ अलाउड बाय ऑपरेटर. पढ़ा था हमने लैक ऑपेरन में इसके बारे में, ठीक है. सेकेंड पूछा है टीआरएनए क्या होता है. टीआरएनए देखिए इट एक्ट्स एज एन अडप्टर मॉलिक्यूल दैट पिक्स अप अ पार्टिकुलर अमीनो एसिड फ्रॉम सेलुलर पूल एंड टेक्स द सेम ओवर टू ए साइट ऑफ एमआरएनए फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन. ये हो गया हमारे टीआरएनए. अब एक्सोन्स क्या होते हैं तो देखिए एक्सोन दीज आर द कोडिंग सेगमेंट्स प्रेजेंट इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. एस लगा भी सकते हैं वरना नहीं लगाइए आप. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विच आफ्टर स्प्लिसिंग आर जॉइंट टू फॉर्म फंक्शनल एमआरएनए. ठीक है एक्सोन्स वही होते हैं, कोडिंग सेगमेंट्स ही होते हैं जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट. नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12. सुनो आप, इसने पूछा है व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट. लेकिन अभी हमने ये पढ़ा नहीं इसीलिए इसको छोड़ दिया है ना. पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर पूछा है उसने, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं पहले. तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन. ठीक है तो आंसर देखते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द टेक्निक टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू डीएनए सैंपल्स बाय स्टडिंग द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी ऑफ वीएनटीआरस. वीएनटीआरस का फुल फॉर्म लिखेंगे ब्रैकेट में, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ये तो हो गई डेफिनेशन. इट्स एप्लीकेशंस आर फर्स्ट इट इज यूज्ड एज अ टूल इन फॉरेंसिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स. सेकेंड टू सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट्स. थर्ड टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू स्टडी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसकी एप्लीकेशन. और लास्ट है 14 क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग पूछा है. पहला पूछा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना है. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है देखते हैं. आंसर नंबर 14, ट्रांसक्रिप्शन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर द टेम्पलेट ऑफ डीएनए. इट फॉर्म्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच हैज अ कोडेड इंफॉर्मेशन सिमिलर टू द सेंस और कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए विद द एक्सेप्शन दैट
थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड एज टेम्पलेट स्टैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ आरएनए कॉल्ड एमआरएनए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट पूछा है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था हमने. देखिए आंसर, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मींस अक्रेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन मोर देन वन फॉर्म. इट इज ऑफ थ्री मेजर टाइप्स, दैट इज एलीलिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक एसएनपी पॉलीमॉर्फिज्म है एंड एक है आरएफएलपी पॉलीमॉर्फिज्म. तो पहला है एलीलिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो आपके सिलेबस में है उसी के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे इन तीनों को. एलीलिक बता रखा था उन्होंने, तो एलीलिक पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, इट अकर्स ड्यू टू मल्टीपल एलील्स ऑफ अ जीन. एलील पॉसेसेस डिफरेंट म्यूटेशंस विच अल्टर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय देम. एज अ रिजल्ट चेंज इन फिनोटाइप में अकर. ठीक है, तो ये हो गया एलीलिक पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है एसएनपी और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. लिखिए, ओवर 1.4 मिलियन सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग्स. अकॉर्डिंग टू एसएनपी एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. SNP is very useful for locating alleles, identifying disease-associated sequence and tracing human history. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.